नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जब हमारे पास अधिकार आते हैं तो उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इस अधिकार को अहंकार समझ बैठते हैं और अहंकार अक्सर विनाश का कारण बनता है। आज की कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जहां दुश्मनी, लालच और रिश्तों की उलझी हुई डोर ने पुलिस को उलझा कर रख दिया। मंजरी प्लीज, किसी को बताना नहीं। अबे छोड़ना, जाने दे, मरने दे, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। ए, क्या कर रहा है? किशोर पाटिल, जो कि पुणे के एक नामचीन कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने की सोच रहा था? आखिर उसने अपने छोटे भाई की बीवी मंजरी से इस बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा था? मंजरी प्लीज, किसी को बताना नहीं। और इस सब के बाद उस पर एक जानलेवा हमला भी होता है। आखिर ये लोग कौन थे और किशोर को इस तरह दिन दहाड़े क्यों मार रहे थे? किशोर खुद देखने में जितना सरल था, उसकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी, लेकिन क्या इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार था? नर्स, बाकी का ब्लड वगैरह अच्छे से क्लीन कर देना। ओके। हेलो मैम, किशोर कैसा है? हाँ, ट्रीटमेंट चला अंदर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा किशोर कैसा है? ही इज फाइन। आप जरा प्लीज। ओके मैम। डॉक्टर साहब, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, हमें लीगल फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी, उन पर हमला हुआ है, इट्स अ पुलिस केस। नहीं नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बात का बतंगड़ बना देंगे वो। अटैक कॉलेज के अंदर हुआ है, कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल है। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इट्स अ क्रिमिनल केस। आपको जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं पुलिस के उलझन में नहीं फंसना चाहती, आप बस इलाज कीजिए, दैट्स ऑल। चलते सर। थैंक यू, थैंक यू। किशोर दादा, पंगे क्यों लेते रहते उन स्टूडेंट से? बग जरा बग केवड़ मार ले तुला। ये तो अच्छा हुआ कि ये देशपांडे सर और साड़ुंके सर तुम्हें बचाने आए, ये तो पता नहीं जान भी ले लेते। लेकिन हमें कैसे पता कि वो स्टूडेंट ही थे या कोई और? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तुम्हें किसी ने बोला अपना दिमाग चलाने? अपने काम से काम रखो, और अगर कोई काम नहीं है ना तो जाओ किसी शॉपिंग मॉल या फिर मूवी थिएटर में जाके ऐश करो। अली मोठी वाला सांगना रे। ए, क्या कर दिया, पागल हो गई हो? तो कौड़ी की हैसियत है नहीं तुम्हारी और मुझे जलील करती हो। तो क्या करूं, आरती उतारू? अरे जितनी इज्जत देता हूँ ना उतने भी बहुत है। तुम क्या इज्जत दोगे, खुद की तो कोई औकात है नहीं और मुझे मेरी औकात दिखाने चले। बस इसी चीज का इंतजार था मुझे, अब मैं चुप बैठने वाली नहीं, देखो क्या करती हो। कृष्ण, ये भूल मत कि हम दोनों एक ही फंदे में फंसे हुए हैं तुम्हारे बाप और मेरे आई की वजह से। कुछ करने का सोचना भी मत, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं। तो भलाई इसी में है कि हम दोनों इसी फंदे में बंधे रहकर अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जिए और अपने काम से काम रखें।
क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कोई मर गए क्या? अगर खाना नहीं खाना था तो रूम में बैठे रहते, यहाँ क्यों आए? इस घर में और कॉलेज में सिर्फ मेरे डिसीजंस मानने पड़ेंगे। अगर ये बात किसी के समझ में नहीं आई हो तो आप दिमाग में बिठा लो। ये कॉलेज बरसों पहले रेनू पाटिल के पति सत्यजीत पाटिल ने शुरू किया था और जल्द ही इस कॉलेज की गिनती शहर के अच्छे कॉलेजेस में होने लगी थी। सत्यजीत के जाने के बाद रेनू ने कॉलेज और घर दोनों की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और दोनों ही जगहों पर उसके ही फैसले पत्थर की लकीर माने जाते थे। रेनू के आगे किसी की नहीं चलती थी, लेकिन तानाशाही के ज्वालामुखी से बगावत का लावा फूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। अरे वाह, चांगला मूड दिसतोय तुझा, कोई नया बॉयफ्रेंड मिला क्या? मूड तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है, और होगा भी क्यों नहीं, तुम्हारी रिंग मास्टर जो नहीं है घर पे, विपसना करने गई है सासू माँ। हे देवा, उन्हें अक्कल देना कि वो हमेशा के लिए वहीं रह जाए, ताकि हम सबका पीछा तो छूटे। तुझे महती नहीं माला, लेकिन मैं मेरी आई से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? और उस औरत के साथ? तुम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो सौरभ, लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो कि इस घर में मैं तो क्या, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, बस सब डरते हैं उनसे। बड़े आए अपनी आई से प्यार करने वाले। तुम्हें आज भी छोले इतने पसंद है? तुम्हें आज भी मेरी पसंद और नापसंद याद है? तुम्हारे हाथों का स्वाद वैसे के वैसे है। इतने सालों बाद उस दिन जब तुम्हारा फोन आया तो मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज सरप्राइज। तुम आज भी मेरा इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद कोई पसंद ही नहीं आई। शायद किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है पास आने का, और वो मौका मैं नहीं खोना चाहता। लेकिन अगर तुम्हारी आई को पता चल गया कि मैं वापस आ गई हूं तो? सर, लाश के पास हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। लेकिन इस औरत के कपड़े से लग रहा है जरूरी है अच्छी फैमिली से, कहीं ये ट्रेन से तो नहीं गिर गई? सर, कहीं ये सुसाइड का मामला तो नहीं? लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना इसका यहाँ मोबाइल मिला है, ना पर्स, ना ज्वेलरी, और ना उसके बॉडी से कोई ऐसी चीज मिली है जिससे आइडेंटिफाई हो। हाँ सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और सिटी पुलिस को इन्फॉर्म करो इसके बारे में। जी सर। जी, उस दिन हम दोनों के बीच जो हुआ वो एक्चुअली मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। आप प्लीज मुझे इग्नोर मत कीजिए, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा। मंजरी, मुझे पता है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, हर उम्र की एक जरूरत होती है, पर ये सब आई को कैसे समझाए? उस दिन हमें देखकर पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा। So please be careful। किशोर दादा, इंदौर के विपश्यना सेंटर से कॉल आया था, आई अब तक वहाँ पे पहुंची नहीं है। क्या? अरे 5 दिन हो चुके हैं आई को जाके। आई ने कहा था कि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। सर, हमने आसपास के थानों में उस औरत के फोटोज भेजे हैं, पर अभी तक उसके नाम का कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ है। सर, उस बॉडी की हालत बहुत खराब है, हम ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं रख पाएंगे। ठीक है, उस औरत की साड़ी को संभाल के रखो, और 2-4 दिन के अंदर उस औरत की शिनाख्त नहीं होती है तो हम उसका दाह संस्कार करेंगे। ठीक है सर।
सर आई को इंदौर के लिए निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं। अगर वो विपश्यना सेंटर नहीं पहुंची तो आखिर गई कहाँ? साहब उस रात हमने मैडम को स्टेशन पर ही छोड़ा था। उसके बाद गाड़ी बंगले पे लगाई और हम घर चले गए। क्या आपकी मैडम को किसी का फोन आया था? मेरा मतलब रेनू जी की फोन पे किसी से कोई ऐसी बातचीत हुई हो या कहा सुनी हुई हो? साहब इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले ही घर से निकलने में देर हो चुकी थी और ऊपर से मैडम गाड़ी तेज चलाने के लिए बोल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि रेनू जी अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उन्हें कभी कहीं जाना होता तो हमें बता के जाती। ठीक है, हमें रेनू जी के बारे में जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। प्लीज सुधर। थैंक यू। थैंक यू। सर, रेनू जी की फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड। जिस रात रेनू जी की ट्रेन थी ठीक उसी रात करीब 10 बजे उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था और सर उनके फोन की लास्ट लोकेशन पूना जंक्शन की थी। सर मैंने उनका फोन नंबर और IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है। शिंदे फौरन रेलवे डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करो। जिस ट्रेन से रेनू जी जाने वाली थी उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मंगवाओ। रेलवे पुलिस से कहो पूना जंक्शन की उस रात की सारी CCTV फुटेज हमें भेजे। सर चलो अच्छा है, घर का एक टेंशन तो कम हुआ। काश वो कभी वापस ही ना आए ताकि हम सब सुख शांति से रह पाए। अरे आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें लेकिन सच तो यही है कि आप भी नहीं चाहते कि वो खड़ूस बुढ़िया कभी भी वापस घर लौटे। जबान संभाल के बात कर, दोबारा थप्पड़ मारूंगा ना उड़ भी नहीं पाओगी। दोबारा थप्पड़ मारने की सोचना भी मत। तुम्हारी आई नहीं अब तुम्हें यहां बचाने के लिए, पक्का जेल भिजवा के रहूंगी। सर जिस ट्रेन से रेनू जी जाने वाली थी उस ट्रेन की पैसेंजर्स लिस्ट मैंने चेक की। रेनू जी के नाम पे टिकट तो बुक किया गया था लेकिन वो उस दिन ट्रेन में बैठी नहीं। सर मैंने रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज भी चेक किए। उस फुटेज में वो साफ अपनी गाड़ी से स्टेशन आती तो दिखती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म पे जाती हुई नहीं दिख रही। सर मैंने एग्जिट पॉइंट की CCTV फुटेज चेक करने की भी कोशिश की लेकिन वो कई दिनों से खराब पड़े हैं। एक्सक्यूज मी सर। विशाल हेलो। ठीक है, थैंक यू। रेनू जी के फोन का IMEI नंबर ट्रैक हो गया है लेकिन उस फोन पर रेनू जी का नहीं बल्कि किसी और का सिम कार्ड एक्टिव था। फोन की एग्जैक्ट लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, मनमाड़ की है। मनमाड़? ये रेनू जी का फोन मनमाड़ पहुंचा कैसे? रेनू के फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस का रुख मनमाड़ की तरफ हुआ लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर रेनू का फोन मनमाड़ कैसे पहुंचा। पुलिस फौरन मनमाड़ में उस जगह पर पहुंची जहां रेनू का फोन एक्टिव हुआ था। सुनिए जी, 8896143134 क्या नंबर तुम्हारा है? नहीं सर मेरा नंबर नहीं है लेकिन बात क्या है सर? इस IMEI नंबर का फोन है तुम्हारे पास? जी सर मैं चेक करके बताऊँ। जी सर ये रहा मोबाइल। ये फोन तुम्हारे पास आया कैसे? सर मैं सेकंड हैंड मोबाइल खरीदता हूँ। एक कस्टमर आया था जिसने मुझे 3000 में बेचा। उस कस्टमर की शक्ल याद है तुम्हें? सर दिन में 50 लोग आते हैं, किस किस की शक्ल याद रखूंगा। अच्छा तुम्हारी दुकान में इस फोन पे एक सिम कार्ड एक्टिव हुआ था, वो सिम कार्ड किसका था कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं सर मैंने उसमें कोई सिम कार्ड नहीं डाला लेकिन हाँ उसने अपना एक सिम कार्ड डाला था, डाल के मुझे चेक करके दिखाने के लिए। रेनू जी का फोन हमें मनमाड़ में ट्रेस हुआ है। कोई आदमी उनका फोन सेकंड हैंड मोबाइल्स की शॉप पर बेचकर चला गया। रेनू जी को गायब हुआ 7वां दिन है और अभी तक
वो रैंसम कॉल भी नहीं आई आप लोगों को। ऐसे केसेस में अपहरण फिरौती के लिए नहीं बल्कि हत्या के इरादे से किए जाते हैं, और हमें शक है कि शायद रेणु जी के साथ भी अब तक। एक तरफ जहां पुणे पुलिस अब भी रेणु को तलाशने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मनमाड़ पुलिस ने रेणु का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। रेणु के हत्यारे अब भी खुले घूम रहे थे, पर जल्द ही पुलिस को एक अहम सफलता मिली। सर, मनमाड़ रेलवे पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन आई है। जिस रात रेणु जी की इंदौर के लिए ट्रेन थी, ठीक उसके अगले दिन उन्हें रेलवे ट्रैक पे एक लाश मिली थी। उसकी डिस्क्रिप्शन रेणु जी से मैच करती है। वो लाश के साथ और कुछ भी नहीं था सर। कन्फर्मेशन के लिए मैंने उन्हें फोटो भेज दी सर। रेणु जी को गायब हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है जो ये लाश मिली है ये रेणु जी की ही होगी। और यही शक जब मैंने रेणु जी के परिवार के सामने जताया तो उनका कोई खास एक्सप्रेशन ही नहीं था। हमें शक है शायद रेणु जी की भी अब तक। शिंदे, ये रेणु जी का परिवार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस परिवार के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, और खास तौर से रेणु जी के बारे में। वो किस तरह की औरत थी, उनकी किस किस से जमती थी, किससे नहीं जमती थी, दुश्मन कौन कौन थे, सब कुछ। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है, थैंक यू सर। रेणु जी के फोन में जिस शख्स का नंबर एक्टिव था उसका पता चल गया है। विजय। हाँ सर। आओ चलो। अरे सब कहाँ लेके जा रहे हो? अरे सब बोल बोल। बताता सब बताता। मुझे वो मोबाइल हाईवे के किनारे से मिला साहब। मैं ललच में आ गया था साहब, इसलिए मैंने वो मोबाइल बेच दिया साहब। पर आई शपथ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, किसी का खून नहीं किया मेरे साहब। टेम्पो ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के लिए शायद ये वो गली थी जिसका डेड एंड यहीं पर था। आखिर किसने की थी रेणु की हत्या और क्या वजह थी इस हत्या के पीछे? और इस सब के बीच पुणे पुलिस को मनमाड़ पुलिस से फोन आया और इस फोन कॉल ने रेणु की हत्या की खबर पर मोहर लगा दी। सर, ये मेरे आई की साड़ी है, उस दिन यही पहनी थी उसने। मनमाड़ में रेलवे पुलिस को आपकी आई की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली। उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, इसलिए रेलवे पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। संभालिए अपने आप को। मैंने मना किया था ना तुम्हें कॉल करने को, फिर भी क्यों बार बार कॉल कर रही हो? घर में क्या नाटक चल रहा है मालूम है ना तुम्हें? देख, तू मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकती। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा, मैं मिलूंगा तुम्हें, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। उठाओ तो फोन में। सर, ये रेणु जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत ट्रेन के नीचे आकर कटने की वजह से हुई थी, लेकिन सर इस रिपोर्ट में एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। क्या? मरने से पहले रेणु जी के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था, और मरने से कुछ घंटे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उनको बेहोश भी किया गया था। लेकिन रेणु जी के साथ ऐसा किया किसने?
कहीं ऐसा तो नहीं रेनू जी की मौत में उनके परिवार वालों का ही हाथ है? क्योंकि रेनू जी की मौत की खबर सुनकर मंजरी और सौरभ ज्यादा दुखी नजर नहीं आए। और रही बात किशोर की, वो अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर शायद कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। इन सब पे नजर रखो शिंदे, ये सब दूध के धुले हुए नहीं है। एक काम करना, तुम कल कॉलेज जाकर पूछताछ करना, मैं उस ड्राइवर से दोबारा मिलूंगा। हो सकता है शायद वो घर के अंदर की ऐसी कोई बात जानता हो जो हमारे काम की हो। सर, रेनू मैम तो बहुत स्ट्रिक्ट थी सर, सबको बहुत पनिश करती थी। वो तो कॉलेज फेस्ट के वक्त भी किसी को भी नहीं छोड़ती थी, पनिश भी करती थी और सभी के सामने बेइज्जती भी करती थी। रेनू मैम ने तो स्कर्ट भी बैन कर दिया था। याद रखना तुझे, बहुत मजा आई थी ना। क्या कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे शॉर्ट कपड़े नहीं चलेंगे कॉलेज में। गेट आउट। सॉरी मैम, 7 दिन के लिए रस्टिकेट कर रही हूँ। मैम प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट। प्लीज मैम, प्लीज। रामनाथ जी। सर सो जा बेटे। तुमने अपनी मैडम रेनू जी को स्टेशन पे ठीक कितने बजे छोड़ा था? तुम ठीक 10 बजे सर, 10:15 की मैडम की ट्रेन थी। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैडम की गाड़ी मैंने बंगले पे लगाई और सीधा अपने घर वापस आ गए। ये कौन है? बेटी है सर मेरी। क्या हुआ इसे? साहब वो मेरे बेटे की शादी एक लड़के से तय हुई थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़के वालों ने 2 लाख और एक मोटरसाइकिल दहेज में मांगी। गरीब आदमी वो साहब, इतना पैसा इतने कम समय में कहाँ से लाता? दहेज न देने की वजह से उन लोगों ने शादी तोड़ दी साहब, जिसका बुरा असर मेरे बेटे पर पड़ा। अपने शादी के काफी सपने सजा के रखे थे साहब इसने, इसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। आत्महत्या करने की कोशिश की इसने। मरी तो नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी बहुत से भी बदतर हो गई है साहब। तब से लेकर आज तक इसी हाल में जी रही है वो। कुछ दिन पहले ही बाइक पर कुछ गुंडे हमारे कैंपस में घुस आए, टोटल 3 लोग थे। तीनों ने किशोर सर को बहुत मारा सर। ये क्या है? देखो तो खोल के। कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर की जॉब। थैंक यू सो मच किशोर। डोंट थैंक मी, यू डिजर्व इट। किशोर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रागिनी प्लीज। हमें पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले आप पर जानलेवा हमला हुआ था, इस बारे में आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं नहीं सर, जानलेवा नहीं था, कुछ लोगों से हाथापाई हुई थी। मामला इतना बड़ा भी नहीं था जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर पाए, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। क्या लगता है आपको किसने किया होगा ये सब? सर जूनियर है तो कॉलेज का टूर करवा रहे थे। टूर करवा रहे थे, रैगिंग कर रहे थे तुम? सर रैगिंग मैं नहीं करता सर, मैं करता ही नहीं बिल्कुल। तुम्हें मालूम है ना कानूनन जुर्म है वो? पता है सर, पुलिस को फोन करता हूं। नहीं नहीं सर, मैं रैगिंग कर ही नहीं रहा था सर। मैंने देखा है। यू आर रस्टिकेटेड, किसी और कॉलेज में जाके अपना सिक्का चलाना। इस कॉलेज में तुम जैसे लोगों को एंट्री भी नहीं मिलेगी। किशोर, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते समय इस इंसिडेंस को जरूर मेंशन करना। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मैम। इनफ मैम। मैम सर, अमरजीत का फोन ऑफ आ रहा है। मैंने उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया है। उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि उनका बेटा कहाँ है। क्या किशोर पे हमला करने वाला और रेनू जी को मारने वाला
ये अमरजीत हो सकता है? हो सकता है सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसका करियर चौपट हो गया। शायद इसी बात का बदला निकाला उसने। फिर तो कॉलेज के कई ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर्स होंगे जिन्हें रेनू जी के इस स्ट्रिक्ट नेचर का सामना करना पड़ा होगा। शिंदे, हमें कॉलेज के हर ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर की लिस्ट बनानी होगी। बच्चों के साथ रेणु के बर्ताव और अमरजीत वाले एंगल ने इस केस में कुछ नए एंगल्स जोड़ दिए थे। पुलिस ने रेणु के परिवार के बारे में जब और पता लगाया तो कुछ और चौंकाने वाली बातें उनके सामने आई। सिनेमा कॉलेज में तो काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सौरभ के यहाँ पर कई लड़कियों और टीचर्स के साथ अफेयर रह चुके हैं और कईयों को तो उसकी माँ ने इसी वजह से कॉलेज से निकाला भी है। रेणु जी अक्सर सौरभ की इन हरकतों को छुपाने की कोशिश करती थी। सर, हमें यहाँ पर सौम्या नाम की एक टीचर के बारे में भी पता चला जिसके साथ शायद इन दोनों सौरभ का चक्कर चल रहा है। आपका सौरभ के साथ क्या रिश्ता है? जी, वो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं और मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, बस इसी वजह से हमारी बातचीत होती रहती है। एक्चुअली काफी टाइम से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है तो बस इसी सिलसिले में इन दिनों कुछ ज्यादा बातचीत होती रहती है। शिंदे, परिवार वाले अपने आप को जितना दूध का दूल्हा दिखाते हैं उतने है नहीं। इनमें एक करेक्टर ऐसा है जो चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है। मंजरी? हाँ, मंजरी। पति के बाहर इतने चक्कर हैं, ऊपर से सास का टॉर्चर, एक ऐसी शादी जिसमें वो कभी रहना नहीं चाहती होगी। मुझे लगता है इन सब में उसी का हाथ। सर, कुछ नहीं मिला। ये सौम्या और सौरभ के बारे में पता है आपको? जी, मैं सौरभ के बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसे अपने आसपास लड़कियों और औरतों का होना बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो एक साथ उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स होती है। फिर तो सौम्या और सौरभ के बीच में क्या रिश्ता है ये भी अच्छी तरह से पता होगा आपको। जी हाँ, वो एक दिन, मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप सौरभ है। मैं इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे सौरभ के साथ रहना है। ये पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। देखो, सौरभ की मंजरी के साथ शादी हो चुकी है। अगर सौरभ तुम्हारे साथ शादी करता भी है तो लोग दूसरी बीवी को क्या कहते पता है ना? देखो, अगर अपनी जीत छोड़ के तुम अबॉर्शन करवाओगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कैश, साथ ही साथ सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन दे सकती हूँ। फैसला तुम पे है। हेलो मंजरी, तुम्हारा पति मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद कॉलेज जाकर अपनी सास से पूछ लो। तुम्हारी सास ने मुझे अबॉर्शन करने के लिए 5 लाख रुपए और सैलरी में इंक्रीमेंट देने का ऑफर किया है। तुम्हें जब इतना सब मिल रहा है तो मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुम्हारे पति ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। तुम्हारी सास ने जो दिया वो मूल था, अब मैंने तुम्हें बताकर अपना ब्याज वसूल किया। सौरभ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। अगर भाई, दिन में मैं किसी के भी साथ घूमू, रात में तो तुम्हारे पास वापस आता हूँ ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है तुम्हारा? मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस। मंजरी, डिवोर्स की कोई गरज नहीं है। तुम्हारे नाम के साथ हमारी इज्जत जुड़ी है, उस पर बिल्कुल आंच नहीं आनी चाहिए। आज की बात तुमने डिवोर्स का नाम भी लिया ना, तो देख मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। फिर तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझी? उस औरत ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अच्छा वह मर गई। हमारी शादी को तो सिर्फ एक सौदा समझा उसने, हमेशा अपने सौरभ की तरफदारी करती थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे उठा लिया। भैया, ऐसा तो नहीं गुस्से में आकर आपने ही अपनी सास को मार दिया हो? सर, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो कब का करके इस घर से निकल चुकी होती, और अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब तो मुझे ऐसे रहने की आदत हो चुकी।
जो कुछ भी पुलिस को सौरभ के बारे में पता चला था वो काफी चौंका देने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि एक माँ होकर भी रेनू सौरभ को सुधारने की बजाय उसकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करती थी। रेनू ने अपने स्वभाव के कारण अपने कई दुश्मन बना लिए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कई तथ्य सामने आए जिन पर रेनू ने झूठ की चादर डाल रखी थी और जो अब परत दर परत खुल रहे थे। और मंजरी के बयान से यह साफ था कि रेनू पाटिल अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, फिर उसके लिए चाहे सच को छिपाने के लिए कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। पर क्या मंजरी और किशोर के बीच का कोई सच अब भी छुपा हुआ था जो सामने आना बाकी था? बस कुछ ही दिनों की बात है मंजरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी हमें दूसरा मौका जरूर देगी। मुझे नहीं लगता मेरी तकदीर मुझे दूसरा मौका देगी। चकाना मेरे से मिलेंगे। Yes, सर एक खास बात पता चली है। जिस दिन रेनू जी इंदौर के लिए निकली थी ठीक उसी दिन से उनकी नौकरानी लक्ष्मी उस घर में नजर नहीं आ रही है। कहीं इस केस में उसका कोई कनेक्शन तो नहीं? देखो लक्ष्मी, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ जानती हो सब बता दो। सब हमने काम नहीं छोड़ा था, रेनू मैडम ने हमें खुद निकाल दिया था। निकालने की कोई खास वजह? घबराओ मत, जो कुछ भी जानती हो सब सच सच बता दो। सब जिस रात रेनू मैडम इंदौर जाने वाली थी उसी दिन की बात है। क्या हुआ मंजरी? देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला, जो हुआ है उसे भूल जाओ और जो है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, समझे तुम? क्या चल रहा है तुमसे दोघन से? नहीं आई, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हमारे बीच में, सच्ची कह रहा हूं मैं। लक्ष्मी है गए पैसे, कल से आने की जरूरत नहीं है। बिना काम किए पूरे एक साल के पैसे मैं इसलिए दे रही हूं ताकि किसी के सामने तू मुंह ना खोले। अगर ऐसी कोशिश भी तूने की तो तू तो जानती है परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, समझी? नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। उनका रिश्ता तो रागिनी के साथ है, पिछले 8 सालों से चाहते हैं एक दूसरे को। रागिनी? आई नहीं चाहती थी कि हम एक हो, इसलिए मैंने रागिनी से कभी शादी नहीं की। पिछले 8 साल से हम एक दूसरे को चाहते हैं। रागिनी इस वक्त है कहाँ? अब तो रागिनी भी कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर है सर, उस वक्त तो उन दोनों को अलग होना पड़ा था, पर अब आई रही नहीं तो शायद इस बार उन्हें अलग ना होना पड़े। ये रागिनी ने दोबारा कॉलेज कब ज्वाइन किया? यही कुछ 4-5 दिन हुए होंगे। यानी रेनू जी के जाते ही रागिनी की एंट्री, गुड प्लान। कहीं ऐसा तो नहीं 8 साल पुराने प्यार के आगे एक माँ की बलि चढ़ गई? क्योंकि जैसे ही रेनू जी रास्ते से हटी वैसे ही किशोर की प्रेमिका रागिनी कॉलेज की जूनियर प्रोफेसर बन गई। ये पुणे और मनमाड़ के बीच जितने भी टोल नाके हैं सबके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। किशोर, रागिनी, मंजरी तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स मंगवाओ, जरूर कुछ हाथ लगेगा। ओके सर। सर मैंने सभी टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, वहां से तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा लेकिन कॉल रिकॉर्ड में हमारे हाथ एक मेजर कड़ी लगी है। क्या?
तुम नहीं मारा रेनू जी को, तुम्हारी कार भी हमारे कब्जे में है और उस कार से हमें रेनू जी के ब्लड के स्टेन्स भी मिले। हाँ, मैंने ही मारा है रेनू पाटिल को। क्यों मारा रेनू जी को? क्योंकि उनकी घटिया सोच ने मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी थी, लेकिन 8 साल बाद किस्मत ने एक बार फिर मुझे किशोर से मिला दिया। किशोर भी मेरी मदद करना चाहता था, मुझे अपनाना चाहता था, लेकिन रेणु पाटिल के जीते जी ये मुमकिन नहीं था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं उसे जान से मार दूंगी। रामनाथ को अपने प्लान में कैसे शामिल किया? आखिर मिलता क्या है तुम्हें ड्राइवर की नौकरी करके? इतनी ईमानदारी से नौकरी करते हो और गालियां सुनने को मिलती हैं तुम्हें, ये कहाँ का न्याय है? मैंने सुना है बेटी की शादी के दहेज के लिए तुमने रेणु से पैसे मांगे थे, मिले? नहीं मिले ना, उल्टा शादी कैंसिल होने की वजह से तुम्हारी बेटी ने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। कैसे रखोगे जिंदगी भर इसका ख्याल? दवा दारू में बहुत खर्चा होता है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द मैं किशोर से शादी करके इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, और अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया तो तुम मेरे खास आदमी, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हें इतना पैसा दूंगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिलहाल ये लो 1,00,000 रुपए, पकड़ो, और जरूरत होगी तो मैं और दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाओ, और तुम जो कुछ भी डिसाइड करो मुझे जल्दी से बता देना। एक तरफ बेटी की परेशानी, पैसों की तंगी, और दूसरी तरफ मैडम का खून करके जिंदगी भर अपने बेटी को सूख देने का लालच। मैंने मजबूरी में लालच का रास्ता चुन लिया सर, और मैडम को बंगले से लेकर स्टेशन पहुंचा। कैसी गाड़ी पार्क कर दी, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। रेणु को बेहोश करने के बाद हम उसी की गाड़ी से जंक्शन के बाहर आ गए और फिर उस जगह पहुंचे जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। हमने उसे मेरी गाड़ी में डाला और फिर रामनाथ उसकी गाड़ी वापस उसके बंगले पर छोड़ने चला गया। रामनाथ के वापस आने के बाद हम इंदौर के लिए निकलने वाले थे। हमारा प्लान ये था कि हम उसे इंदौर लेके जाते, वहीं उसे मारकर कहीं फेंक देते ताकि पुणे से इतने दूर होने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता और मामला वहीं दब जाता। हम इंदौर के लिए निकलने ही वाले थे कि रेणु को होश आ गया। वो हमारे इरादे जान गई थी और हम इंदौर के लिए निकल गए, लेकिन मनमाड़ पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई और आगे स्टेट बॉर्डर थी। हम अच्छी तरह से जानते थे कि स्टेट बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग होने की पूरी संभावना थी, इसीलिए हमने रेणु की बॉडी मनमाड़ में ही रेलवे ट्रैक पर फेंक दी ताकि उसकी बॉडी ट्रेन के नीचे आकर कट जाए और कोई शिनाख्त ना कर पाए। रागिनी, तुमसे कोई मिलने आया है। काहे केलस तू है रागिनी? अरे मैं खुद उस घर से निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम और मैं अलग से दुनिया बसा सके। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब खत्म हो गया। रागिनी ने इस मौत की साजिश करके अपने और किशोर के भविष्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या रेणु की मौत के लिए सिर्फ रागिनी और रामनाथ ही दोषी हैं?
रेनू ने अपने अधिकारों को अपना अहंकार बना लिया था और उसका यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। याद रखें, अगर बड़ों के प्रति आदर भाव रखना छोटों की जिम्मेदारी है, तो बड़ों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सोच, अपने फैसलों को छोटों पर ना थोपे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।